तो दर्शकों, ये हैं संवाददाता बिल्कुल, जो कि कुछ कर रही हैं। कुछ मैं गेम खेलती हूँ। दिख शक्ल दिखा दो, हमारी बहुत खुद लिए बहुत सुंदर है। और ये हमारे एडिटर्स हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। अभी हम न्यूज़ रूम में हैं और अभी हम जाएंगे बाहर, फिर हमारी संवाददाता से हम बात कराएंगे। चलिए संवाददाता। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ऑफिस के बाहर और 6:30 हो रहा है। ये हमारी संवाददाता, आप देख लीजिए। हेलो गाइस, तो आज संडे है। हालांकि जो न्यूज़ होते हैं, जो मीडिया में होते हैं, जो उनके लिए कोई संडे नहीं होता, ओनली काम डे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, संडे हो या मंडे। आज काम तो वैसे संडे को होता है, बट आज थोड़ा कम था। आज मैं फ्री थी बिकॉज मेरा कैमरामैन नहीं आया था। हम बिजी थे, हमारे लिए कोई वो नहीं। और ये आप देख सकते हैं, हमारे देश न्यूज़ का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे आके आप कभी हमारे चैनल आए तो सेल्फी ले सकते हैं। और ये हमारे प्रोग्राम होते हैं, इसमें जो कवि दरबार आप देख सकते हैं, इसको मैं होस्ट करती हूँ। गीत गंगा होता है, नच के दिखाओ होता है। तो अगर आप भी कविताएँ पढ़ते हैं, अच्छा डांस कर लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, तो आप आ सकते हैं चैनल में। टी वी में आने के साथ साथ मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। और मैं सोच रही हूँ अब डेली ब्लॉग डालूँ, हालांकि थक जाती हूँ, बहुत थकी। अभी मेरा बुलेटिन है 6:30 पे, तो अभी ऊपर स्टूडियो में जाएंगे, बुलेटिन करेंगे, बाकी बातें भी करेंगे। मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आज लंच तो किया नहीं। कैसे लंच कर रही थी मैं? हाँ, अपने टेबल पे ये बैठ के लंच कर रही थी और खबरें पढ़ चुकी हूँ मेकअप रूम में। और हमारा मेकअप ऐसे कवाड़ा हो रखा है, और आज मेकअप मैंने खुद ने किया है, इसलिए अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे मेकअप करना आता नहीं है। और मैं थक चुकी हूँ। अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशल प्रोग्राम, जो कि हमारे एंकर मनीष जी कर रहे हैं। और थक गई सीढ़ी हाथते हाथते। अभी मैं जाऊँगी बुलेटिन करने, तो आपको भी थोड़ा सा दिखाऊँगी कैसे करते हैं, और बाकी बातें भी करते हैं अपन। थक गई दोस्तों बहुत ज़्यादा। बाकी कॉलेज वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दे। तो बस समय होने वाला है, मैं थोड़ा सा टचअप लूँगी, उसके बाद हम बातें करते हैं। सही है, इतने टाइम आते आते ना एनर्जी डाउन हो जाती है पूरी। हाँ सर, ठीक है, शुरू करें सर। नमस्कार, मैं अनिशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। खबरों से पहले देखते हैं हेडलाइंस। 500 पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला, 70 वाहनों का काफिला, आचार संहिता के दूसरे दिन भी हटे फ्लैग्स बैनर। तो अभी हमारा बुलेटिन हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपना मेकअप रिमूव करने और रियल निशा बनने। अब ये दिखा दर्शकों, मैं हो चुकी हूँ, मतलब मेरा ये दूसरा रूप आप देखें। हालांकि इस पे थोड़ा मैंने ट्रेडिशनल सूट पहन लिया, आप देख सकते हैं। और अभी मम्मी आ रही है मुझे लेने और दीदी आ रही हैं। और अगर हम कोई जगह जाएंगे, अभी कंफर्म नहीं है वैसे, क्योंकि मैं मेरा ऐसा है कि जब तक उस जगह पहुँच मत जाओ तो बताओ मत, तो जाऊँगी तो बता दूँगी। और थक जाती हूँ यार सच में, मेकअप लगा लगा के, जितना मेकअप से भागती थी उतना ही तो ये होती है एक न्यूज़ एंकर की लाइफ। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाकी बातें करेंगे, घर पहुँच के भी बातें कर ही लेंगे। और आप लोगों का संडे कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा संडे तो काम करते हुए निकल गया, और 7 बज चुके हैं और ज़्यादा टाइम हो चुका है, और मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। और ये है आपकी निशा जी। अरे ब्लॉग में डालूंगी ना, मैं डेली ब्लॉग डाल सकता हूँ, लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा ब्लॉग में डालूंगी, जा रहे हैं घर। अब देख लीजिए, ये आपके बच्चे हैं। मम्मी जो वहाँ बैठ जाते हैं, बैठ जाओ, बुला रहा है। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं मनीष के कैफे में। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी से वार्तालाप कर रहा है अभी, मम्मी को मेरी चाय पिलाएगा। और इसका ये SBI चाय पॉइंट है, आपने अक्सर ब्लॉग में देखा होगा SBI चाय पॉइंट। और मेरे पीछे हो रहा है ओपन माइक, और अभी फिलहाल सब कॉमेंट कर रहे हैं। और ये इसका कैफे है SBI चाय पॉइंट। ये सत्यनारायण जी हैं, सत्यनारायण, शुभ नारायण, शुभ नारायण। और ये कैफे के मालिक हैं सोनकर जी हैं। ये एक तो जानते होंगे आप, अक्सर ब्लॉग में देखते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे सखा हैं। तो अच्छा बोल रहे मेरे लिए ब्लॉग है।
देश में जो भी कार्यरत हैं इनकी तारीफ क्या करना है, कुछ प्यार नहीं करना था लेकिन इतना भी ऐतराज नहीं करना था। हम जी लेते बस उम्मीदों में ही, हम जी लेते बस उम्मीदों में ही, बस तुमको मुंह पर इनकार नहीं करना था। क्या बात है, कब पढ़ा? तो मैंने एक कविता पढ़ दी, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि मैं फोन को लेके पढ़ रही थी और वो पढ़ दिया, सत्यम ने बुलाया तो मैं पढ़ दिया। अभी ओपन माइक कंटिन्यू चलेगा, हालांकि हमें रात हो रही है, भूख भी लग रही है और मैं थक भी गई हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं घर। बाकी ब्लॉग देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और ये अभी सत्यम गुरु कॉमेडी करते हुए मैं भी बोल रही हूँ, जाओ बोल दो, मेरी मम्मी भी पोएट है, जाओ बोल दो। पर मम्मी का भी मन दिया, हम रुक गए हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी ले रही है सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ आज टमाटर ख़त्म हो चुका है तो मम्मी ले रही है टमाटर। और सब्जी के भाव भी बढ़ चुके हैं, इंसानों के भी भाव बढ़ते हैं। और अभी हम अभी सिटी में अपने गांव नहीं पहुँचे हैं, भीड़ देख सकते हो अभी कितनी भीड़ है। दर्शकों अभी हम आ चुके हैं गन्ने का जूस पीने, उसी जगह पे जहाँ आपने पहले ब्लॉग में देखा, हम लोग सब यहीं पे गन्ने का जूस पीते हैं। और अभी रात हो चुकी है और गन्ने का जूस पीने, इसके बाद हम घर जाएंगे, अब तक करीब नहीं पहुँचे। हमारे गन्ने का जूस तैयार, मैंने अभी पे नहीं किया, अभी पी ले फिर पे करेंगे। अभी हम डालेंगे नमक, नमक तो डाल लो। चाय जो कि बहुत टेस्टी पानी पूरी खिलाता है हमारे गांव में, इसको हम इतना ढूंढते पर आज मिल गया फाइनली। लो एक आप भी खा लो, मैं पहुँचेंगे खाते रहेंगे। अभी तक हम घर नहीं पहुँचे पर हम अभी अपने गांव में, आप देख सकते हैं हमारे गांव में हमारी हूँ दल भरी पूड़ी जो कि रीवा के लोग बहुत खाते हैं। और ये पक चुकी है, आ जल गया, बच गया। दोस्तों मेरे पराठे बन चुके हैं और मेरा हाथ एकदम गंदा हो रहा है और लाइट भी चली गई। और ये पनीर बनाया था और लाइट जा चुकी है और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो चुका है। अब इसको हम खाएंगे और अभी तो पूरा किचन गंदा हो रखा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, गांव में बहुत देर से वेट कर रही हूँ पर अब 11 बज चुके हैं, लाइट नहीं आई है और बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है, तो अब अंधेरे में ही वीडियो को करते हैं एंड। बाकी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा बहुत सारा प्यार दे, वीडियो लाइक करें शेयर करें। और सुबह 6 बजे ऑफिस जाना है मुझे, इसलिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय। सो जाते हैं, आप भी सो जाइए और ध्यान रखिए अपना।